मोबाइल मेरे हाथ से छुटता ही नहीं है ना, मैं ऑलवेज ऑन द फोन होती हूँ, दैट्स व्हाट आई हेट अबाउट मायसेल्फ. कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप स्क्रीनशॉट लेके किसी और को भेज देते कि इसने मेरे साथ ये बोला और गलती से आप उसी को भेज देते तो इतना एम्बैरेसिंग हो जाता है. ओह माय गॉड, नहीं नहीं सुनो, मैं तो बस वो ये कह रही थी. आई एम अ वेरी क्रेजी पर्सन, लेट मी टेल यू, यू हैव टू आस्क माई सिस्टर्स एंड माई फ्रेंड्स. मैं रोजाना कुछ ना कुछ क्रेजी ही कर रही होती. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं अलगिल और आप देख रहे हैं हमारी वेब. आज जो गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनको आइडलाइज़ करते होंगे और मेरा ख्याल है यंग लड़कियां जो हैं बहुत ज़्यादा उनको फॉलो करती होंगी और उन जैसा बनना भी चाहती होंगी. मैं बात कर रहा हूँ सनम जंग की, उनको वेलकम करते हैं हमारे शो में. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन दिया आपने. हम सनम जंग के साथ एक सेगमेंट जो है वो सवालात पूछते हैं जिसका नाम है सच बोलूंगा सेगमेंट. तो इसमें आपको सच सच बताना है बस, ठीक है? क्रेजी फैन मोमेंट, कोई ऐसा हो क्रेजी फैन मोमेंट कि आप कहते हैं यार ये जो है ना कभी भूला ही नहीं आपको. मेरी शादी से पहले मुझे कॉल आई थी कि कोई बहुत ही कोई क्रेजी फैन था, उसने मुझे कहा था शादी मत करना और वो मतलब कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो मेरे नाम पे ये और वो. मैंने कहा भाई क्या हो गया, थैंक यू वेरी मच, मुझे कोई शौक नहीं है. बट हाँ, आई थॉट दैट वाज रियली क्रेजी. उसके अलावा एक बहुत प्यारी सी लड़की है महाम, मैं दुबई गई थी हम अवार्ड्स के लिए, तो वहाँ ना वो बेचारी मुझे किसी तरह कोशिश करी थी मुझसे बैक स्टेज मिल जाए मेरे होटल कहीं ना कहीं. मित से तो उसकी मुलाकात नहीं हुई, मेरे अब्बा अम्मी से हो गई और मेरे अब्बू तो बहुत ही वो इस तरह के ना कि क्यों नहीं सनम से मिल रही और ये और वो. तो अब्बू ने उसको बोल दिया कि तुम होटल आ जाओ, तो मैं एकदम वो बेचारी बैड लेके और कार्ड लेके मेरे पास आई. थॉट दैट वाज रियली क्यूट. व्हाट डू यू लाइक अबाउट योरसेल्फ? आई थिंक आई एम वेरी काइंड, आई लाइक द काइंडनेस इन मी. मैं लोगों के लिए सोचती हूँ, ये मुझे बात अपने बारे में अच्छी लगती है. अपनी तारीफ करना कितना अजीब है. तो इसके बाद यही होगा ना, कोई ऐसी चीज़ जो आपको अपने बारे में नहीं पसंद. बिल्कुल. मोबाइल मेरे हाथ से छुटता ही नहीं है ना, मैं ऑलवेज ऑन द फोन होती हूँ, दैट्स व्हाट आई हेट अबाउट मायसेल्फ. कभी किसी को गलत टेक्स्ट मैसेज भेज दिया? ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज. गलत ऐसा याद है कुछ? कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप स्क्रीनशॉट लेके किसी और को भेज देते कि इसने मेरे साथ ये बोला और गलती से आप उसी को भेज देते तो इतना एम्बैरेसिंग हो जाता है. ओह माय गॉड, नहीं नहीं सुनो, मैं तो बस वो ये कह रही थी. तो वो मेरे साथ बहुत हुआ है. अच्छा, स्कूल में कभी कोई ऐसा मोमेंट हुआ है जो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो या आपको कहो यार ये क्या हो गया मेरे साथ स्कूल में? स्कूल में पता नहीं कितनी चीज़ें होंगी, मुझे याद तो नहीं है. अब आई डोंट रिमेंबर इस तरह का एम्बैरेसिंग. मेरे साथ तो वैसे ही होते रहते हैं, गिर जाती हूँ लोगों के सामने, इतना एम्बैरेसिंग होता है और हंस के कुछ नहीं हुआ, वो तो अभी भी होता है. अच्छा, कोई एक ऐसी चीज़ जो आप कभी शेयर नहीं करना चाहती? एनीथिंग, इट कैन बी. मैं क्यों शेयर करूँगी अगर कोई ऐसी चीज़ है? बट मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी सारी मेरी जिंदगी खुली किताब है आप लोगों के सामने. ठीक, जबरदस्त. एक दिन अगर आपको पाकिस्तान में कोई एक रूल बनाने का मौका मिले, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर आपने बनाना है एक रूल और वो हर पाकिस्तानी को फॉलो करना है चाहे कुछ भी हो जाए, वो क्या रूल होगा? ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है. अच्छा, ये तो बेसिक रूल है ना, बट आप कोई रूल? मेरा अपना रूल, हाँ, सबके मोबाइल फोन छीन लें. सबके मोबाइल फोन छीन लें? सबके मोबाइल फोन छीन लें. और कोई मोबाइल कोई फोन? सबके मोबाइल फोन छीन लें और सब मजबूर हो जाए घर में रहने के, अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारे. अच्छा, व्हाट इज द क्रेजीएस्ट थिंग यू हैव एवर डन? आई एम अ वेरी क्रेजी पर्सन, लेट मी टेल यू, यू विल हैव टू आस्क माय सिस्टर्स एंड माय फ्रेंड्स. मैं रोजाना कुछ ना कुछ क्रेजी ही कर रही होती हूं. तो ये था सच बोलूंगा सेगमेंट और उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा. तो अब सनम जंग के साथ हम जो है रैपिड फायर राउंड एक खेलेंगे, छोटा सा और बड़े मज़ेदार से इसमें सवाल आते हैं. तो अच्छा सनम, सबसे पहला मज़ेदार सा सवाल, आपने मॉर्निंग शो बड़ी देर होस्ट किया, तो आपको कौन सा लगता है मॉर्निंग शो का होस्ट जो है ये बेहतरीन है? दो तीन नाम दे देता हूँ. हाँ, होस्ट. ओके, नाम आप बताओ. नाम बताता हूँ, फहद मुस्तफ़ा, मायरा खान, शाइस्ता लोधी. शाइस्ता, शाइस्ता वो बेहतर करती हैं. हाँ, वो लड़की है ना, बैलेंस करके चलती थी. फहद, आई लव फहद एटीट्यूड, आई मीन आई लव द वे ही डज इज जीतो पाकिस्तान. और मॉर्निंग शो भी बड़ी कैजुअली करते थे. हाँ. लेकिन अगर मैं बैलेंस बोलूं कि वो जो एक मॉर्निंग शो मटेरियल पूरा मॉर्निंग शो पैकेज जो है वो जी. बेस्ट एक्टर कौन सा लगता है आपको? मतलब हुमायूं सईद लगते हैं या फैसल कुरैशी साहब या फहद मुस्तफ़ा? ये सब मुझे बेस्ट लगता है. ये बेस्ट है, ये मेरे फेवरेट है. अच्छा, एक को चूज करना बहुत मुश्किल है, मैं एक को चूज ही नहीं कर सकती. आई मीन These are all the people that I would love to work with. मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया. फैसल इज अमेजिंग, फहद इज अमेजिंग, फहद मुस्तफा का अपना स्टाइल है एक्टिंग करने का. अच्छा, अभी एक बड़ा मज़ेदार सा सवाल है, अगर आपको कोई लंच पे या डिनर पे इनवाइट करेंगे ये तीन लोग, तो आप किसके साथ कहेंगे यहाँ उनके साथ लंच डिनर करना चाहिए? इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? इमरान खान के साथ. इमरान खान साहब. दो तीन एक्टर्स के मैं नाम लेता हूँ, आप बताइएगा कि आप इनको क्या कहना चाहते हैं. सबसे पहले तो हमारे आतिफ असलम साहब, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, गाते रहें. और अली जफर,
आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है और आप खुद भी बहुत अच्छे हैं। बेहतरीन। अच्छा इमरान खान साहब, प्लीज प्लीज, डॉलर 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 बहुत महंगा हो गया। अच्छा शाइस्ता लोधी, जो कर रही हो करती रहो, बहुत अच्छा कर रही हो। आमिर लियाकत साहब, आप बहुत अच्छे एंटरटेनर, आप एंटरटेन कर, एंटरटेनिंग सही है, तो एंटरटेनर सही, एंटरटेनर सही है। अच्छा अगर कभी ऐसा हो कि आप जो है जा रही हैं बाइक चला रही, लेट सपोज आप बाइक चला रही और आपको सिर्फ एक ही बंदे को लिफ्ट देनी है, तो आप किसको देंगी? हरीम शाह को देंगी और या आमिर लियाकत साहब को देंगी या फिर आप कवि साहब को देंगी, मौलाना कवि साहब? ओह माय गॉड, उनको तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तो मेरे ख्याल से आमिर लियाकत को लिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो किसी से भी कोई को लिफ्ट, हाँ वो बेचारी हरीम किस तरह जाएगी, तो वो लड़की है तो इसने मैं। अच्छा चलिए ठीक है जी। बेस्ट सिंगर कौन सा लगता है आपको पाकिस्तान में? अली अजमत, शहजाद रॉय, क्या आपने याद दिला दिया, सजाद अली या फिर आतिफ असलम? This is so tough. They all are amazing, but अगर आप बहुत क्लासिक जाएंगे तो सज्जाद अली। अच्छा यूजली कभी गाड़ी जब ड्राइव करती हूँ तो किसका गाना सुनती हूँ? मैं बिल्कुल गाने नहीं सुनती। ओके। मैं कोशिश करती हूँ मैं बिल्कुल गाने नहीं सुनूँ। अब लास्ट सवाल कि आपको अगर कोई चीज़ पोस्ट करनी हो तो किस पे करेंगी, फेसबुक या इंस्टा? इंस्टा। इंस्टा हाँ। फेसबुक अब तो फेसबुक पे भी ऑटो पोस्ट हो जाता है, डालो दोनों। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच आपके टाइम का, आपने हमें इतना टाइम दिया और इतने सारे लोगों को बहुत सारी मजेदार बातें बताई जो उनको शायद नहीं पता होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ राहिल गिल, खुदा हाफिज़।